हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अल्फा में, जहाँ पर काउंसलिंग, एडमिशन, कॉलेज रिव्यू, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है जो कि आपके करियर डिसीजन में या कॉलेज डिसीजन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हम MPDTE काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि MP मध्य प्रदेश का एक स्टेट लेवल काउंसलिंग है। तो यहाँ पर स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी कई सारे अच्छे कॉलेजेस हो जाते हैं। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से आते हैं या MP से आते हैं तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम डेट शीट के बारे में जान रहे होंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर कौन कौन सी डेट्स हैं, कब कब हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं जो आपका DTE का जो काउंसलिंग पोर्टल है मैं उस पर हूँ। अगर आप MPDTE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आके आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा और यहीं पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके पास अभी फिलहाल टाइम है, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो यहाँ पे ओवर हो चुका है, लेकिन सेकंड राउंड का भी जो काउंसलिंग है वो चल रहा है। तो MP से आने वाले स्टूडेंट्स या फिर MP के बाहर से आने वाले स्टूडेंट जो MP में कॉलेज चाहते हैं, MP में आप कॉलेज अगर लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर MP के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं, उनमें आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप एक अच्छा ऑप्शन निकाल पाओ। और आपको कम परसेंटाइल पर भी काफ़ी बार आपको बेस्ट कॉलेज ऑप्शन या बहुत काफ़ी अच्छे कॉलेज ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एक अच्छी ब्रांच के साथ, जो कि बहुत मैटर करता है। अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच, हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारा मेन मोटो यही होता है, अगर हमें बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो हमें वहाँ पर लोअर ब्रांच या थोड़ा अगर हमें ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो हमारा चल जाता है कि ठीक है, हमें ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप एवरेज कॉलेज में ही जा रहे हो, एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में ही जा रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी ब्रांच लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको हम देख लेंगे। और अच्छी ब्रांच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल CS चले जाएँ या IT चले जाएँ। CS IT को लेकर के एक जो भीड़ चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इलेक्ट्रिकल में भी है, मैकेनिकल में भी है, बहुत अच्छी ब्रांचेज ये भी हैं। तो बिल्कुल वो एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको CS IT में ही रहेंगे तो ही प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर देखने की कोशिश करें, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या उसमें फिट बैठते हो, क्या आपको एक्चुअली में CS में कुछ आता है, आपने लैंग्वेज वगैरह कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है या नहीं बनाया, आप कितना फैमिलियर हो ब्रांच के साथ, मतलब ब्रांच के कोर्स के साथ, ब्रांच में आपका जो भी कोर्स वगैरह उसके साथ कितना फैमिलियर हो, उस हिसाब से अगर ब्रांच को डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आगे आप ज़्यादा कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए नॉर्मली मैं एक आपको डेट शेड्यूल दिखा देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डेट शेड्यूल की बात करें तो जो पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 23 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक था। फिलहाल हम सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट होने वाले 8 अक्टूबर से, 8 अक्टूबर से हमारा 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया अभी तक, आप न्यू कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पर 8 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। 8 अक्टूबर से, जो 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर से 8 से 11 के बीच में आपको टाइम मिलेगा, जो कि आपका अपकमिंग में दिखा रहा है। आप यहीं पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरवर्ड हो पाएंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप जा पाएंगे। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 8 से 11 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में अगर रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट है, कोई कुछ भी एडिटिंग है या कुछ भी आपका है, तो वो 12 अक्टूबर के दिन आप शाम 5 बजे तक अपना वो चेंजेस कर सकते हो। कोई भी डेटा अगर बाई मिस्टेक कुछ गलत फिल हो गया या कुछ भी आपको एडिट करना है, तो एडिटिंग के लिए ऑप्शन आपको 12 तारीख के दिन ओपन रहेगा, जिसको हम करेक्शन विंडो भी कह सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग, अब हमारा जो चॉइस फिलिंग का मेन वर्क है वो कब स्टार्ट होगा, तो चॉइस फिलिंग जो है जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके लिए तो 6 तारीख से ही ओपन हो गया, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है और आगे हम करना चाहते हैं, तो हमें आगे 6 उन लोगों के लिए 6 से 13 के बीच में चॉइस फिलिंग ओपन रहेगी। अब इसमें जो नए कैंडिडेट है वो तो सिर्फ 8 तारीख के बाद ही, जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इससे पहले जो नए कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो ऑलरेडी पहले से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो आराम से 6 तारीख को ही अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक के बीच में चॉइस फिलिंग कंटिन्यू ओपन रहेगी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले के रजिस्टर्ड हैं या नए स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो वो इस डेट शेड्यूल पर अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रीचॉइस फिलिंग या फिर कुछ भी एडिट है तो उसके लिए फिर से एक दिन का टाइम दे दिया गया है, 12 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में एक दिन का फिर से आपको टाइम दे दिया गया है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बाद एक बार एडिटिंग का भी आपको समय मिल जाता है कि आप चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब एडिटिंग में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा चॉइस फिलिंग को अपने हिसाब से फिर दोबारा कन्वर्ट करके कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक इसमें लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, तो वो चीज़ है। साथ में आपका फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा कि आपका मेरिट में जो भी रैंकिंग, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के भी आप पे आपको आगे अलॉटमेंट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक आएगी, रैंक अपनी देख सकते हैं। रैंक देखने के बाद अपना जो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट के लिए करने के लिए आएगा, अलॉटमेंट लेटर का आएगा डेट वो 17th को आएगा, 17 से 19 के बीच में अपना
अलॉटमेंट लेटर निकाल करके अपने एडमिशन की प्रक्रिया में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बेसिक है। इसके अलावा इनका अगर आप ब्रांच परिवर्तन या ब्रांच चेंजिंग वगैरह चाहते हैं तो आप इसमें आपको एक बार टाइम मिल रहा है 20 और 22 तारीख को, जिसमें आप इंटरनल स्लाइडिंग कहते हैं या ब्रांच चेंजिंग के लिए कि हमें ब्रांच चेंज करना है, तो अगर ब्रांच कोई वैकेंट होगा या सीट कोई वैकेंट होगा तो वहां पर आपको जो है ब्रांच चेंजिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रांच परिवर्तन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर और एक काउंसलिंग आपकी और होगी जो कि बची सीटों के लिए, जो भी वैकेंट सीट रही होगी, जो लास्ट में अगर कुछ कॉलेजेस में कुछ सीटें बच जाएंगी तो वहां पर एक संस्था स्तर की काउंसलिंग भी होगी, जिसको हम स्पॉट राउंड काउंसलिंग कह सकते हैं। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भी वो लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कहीं पर भी कोई कॉलेज नहीं मिला है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो आप जाके लास्ट में स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड में जो भी वैकेंट सीट्स होंगी वहां पर आपको मौका दिया जाएगा आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। यहीं पर आपका इंटरनल स्लाइडिंग का ये ऑप्शन दिया है, जो आपका आंतरिक ब्रांच परिवर्तन है, और आहरकारी परीक्षा के आधार पर जो आपका बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 10+2 के बेसिस पर भी आपका यहाँ पर कुछ सीट्स हैं, लेकिन 10+2 के बेसिस पर उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी यहाँ पर जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। अगर आपको फर्दर कोई भी कॉलेज फिल करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और जो भी अगर आपको आगे हेल्प चाहिए, तो कि पूरा आप काउंसलिंग प्रोसेस हमारे कराना चाहते हैं या किसी भी पोर्टल के लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो HBTU हो या पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या आपका और जो काउंसलिंग पोर्टल चल रहे हैं, जूसा है, सीसैब है, MPDTE है, आपका बिहार का अलग काउंसलिंग होता है, पंजाब में आपका राजस्थान का रीप हो गया, हरियाणा का जो काउंसलिंग है टेक एडमिशन वाला जो वेबसाइट से होता है, वो सारी चीज़ें मतलब सारे ही काउंसलिंग पोर्टल्स पर यहाँ पर काम कर रखा है। तो आप सभी कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग।